चलो ना यार, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तारिका, अब हमारी शादी की तैयारियां बड़े जोश में करेंगे और सब कुछ झटपट निपटा लेंगे। माँ बेटी अच्छी हूँ माँ। पिताजी माँ, रास्ते में बड़ी मुसीबत आई लेकिन मगधीरा ने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप पिताजी। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे? हमें बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। आपके भेजे गए वेताल लोग सच्चे वेताल से भी बढ़कर निकले। हुई ना बात। क्या अभिनय किया, क्या अभिनय किया, क्या युद्ध किया, यहाँ से वहाँ उड़ रहे थे। गधीरा, तुझे लड़ते हुए देखकर तेरी दिलेरी पर बबल मल्ली तुझसे प्यार करने लगी होगी ना? प्यार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल करेगी, नहीं तो एक और बेताल के साथ लड़ाई की तैयारी कर लेंगे। ये बताओ आगे क्या सोच रहे? उत्तर पूजा। प्रणाम मुखिया जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। वैसे आज ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसलिए तो इस ठंड का मजा लेने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को लेकर पहाड़ी पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। ये कैसा मजाक है? मजाक? मौसम अच्छा है, खेलने की सोच रहा हूँ। बचपन की बात कुछ और थी, अब वो बड़ी हो गई है। मल्ली, चलोगी क्या? बस ऐसे ही घूम के आते हैं थोड़ा। सुनो बेटा, अब तुम जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। मेरी बेटी हद पार करके एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी, समझे तुम? ओ सुनिए, उधर देखिए ना। क्या है ये? अब पिता की बात का क्या मान रह गया? मैंने कब पिताजी की बात टाली है माँ? तभी तो दरवाजे से एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, पीछे से आई हूँ। चलो माँ। पवन मल्ली। कल आपने कैसे पहचाना कि मैं ही पवन मल्ली हूँ? तुम्हारी आंखों से। बचपन में जब मेरी बहन मरी थी, इन्हीं आंखों ने आंसू बहाए थे मेरे लिए। कुछ तो है इन आंखों में, कुछ अलग। मेरे पिताजी उस टेढ़े कुमार के साथ मेरी शादी करने की जल्दबाजी कर रहे हैं। जब तुम परदेश में थी तब से तुम मेरे दिल में, अब तुम्हें कैसे किसी के साथ शादी करके जाना। अचानक कैसे? दूल्हे बनने वाले हो, पूरा चेहरा खिल गया। और एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरी शादी सामने खड़े रह के करवानी पड़ेगी। धूमधाम से करेंगे। और मेरी सुहागरात? अरे वो सब मेरे सामने मत करना, बेकार। जल्दीबाजी मत करो यार। वो क्या है कि तुम अभी जवान हो, अपने होने वाली बीवी को किस तरह खुश रखोगे, ऐसे विचार तो तुम्हारे दिमाग में उछल कूद करते ही रहते होंगे ना। उनमें से तीन बातें इस भाई को भी बता दोगे तो सी
सीधा तारक के पास जाऊंगा, अपना काम बना लूंगा मजे से। नहीं बताओगे तो एक सीधी बात पूछू क्या तुमसे? हाँ पूछो। सुहाग रात में खासकर दूध और फल की जरूरत पड़ती है ना? क्यों भाई हंस रहे हो? फल और दूध तो चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। मंगल को अपना बना ही लिया है। मेरी कमल की फूल, इस सुहाग रात के लिए कितनी रातों से इंतजार कर रहा हूँ। तारा बहना, तुम्हारी सुहाग रात में मैं टपक पड़ाऊँ कैसा लगा? ए, तू तो बहुत ही बेशरम है। तुझे कितनी बार कहा इसे बहना नहीं बुलाना, अगर इसके नजदीक भी दिखाई दिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। अबे चल। अरे चल, मेरे तीन बच्चे होने तक अपना ये मुंह मत दिखाना तू मुझे। तो चौथे के बाद आ जाऊं क्या? चल, चल। हर बात पे गुस्सा क्यों? दामाजी क्या हुआ? क्या हुआ? ये सुहागरात वाले कमरे में घुसाया। एक छोटा बच्चा अगर पढ़ाई वाले कमरे में घुस गया और वहाँ कुछ उल्टा सीधा देख के डर गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? बहना मैं चलूं? बहना वापस बताना। ससुर जी, आप सासू माँ को लेकर उस तरफ जाइए, मैं आपकी बेटी तारक मंगल के साथ। क्या हो गया जी? एक बिल्ली तो गई है, कोई हाथी थोड़ी गया जो चिल्ला रहे हो। बात नहीं है दामाद जी, सुहागरात के दिन पैरों के बीच में से अगर बिल्ली चली जाती है तो वो बड़ा अपशगुन माना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है तारक। चलो बेटी। ससुर जी, ओफो, एक बिल्ली ने रास्ता काट कर मेरी पूरी सुहागरात खराब कर दी। अब मैं क्या करूं भगवान? ओहो, बिल्ली जब इनके पैरों के बीच से निकली थी तब शुक्र चौथे स्थान में था, चौथे स्थान में होने वाला मंगल सातवें घर में था। चाहे कुछ भी हो, अब तीन दिन तक सुहाग रात नहीं मना सकते। क्या कहा तीन दिन? अरे माँ बाबू, अब मैं क्या करूँ माँ? सुनिए, कोई और रास्ता नहीं है क्या? मेरा बेटा बहुत जल्दी मचा रहा है। जल्दी ना मचाओ तो क्या करूँ बाबू? तुम यहाँ इतने उछल कूद कर रहे हो तो वहाँ जाकर क्या करोगे? पापा तो मैं बहुत जोरदार करूंगा। ये बात उसे कहनी चाहिए। अरे सुनो ना, हर काम के लिए कोई ना कोई तोड़ होता है, इसके लिए भी कोई तोड़ तो होगा। आप बताइए, मैं झट से पूरा कर दूंगा और अपना काम निकाल लूंगा। इसका तोड़ ही चाहिए ना? हाँ। नहीं है। दामाद जी, अब तीन दिन के बाद ही स्वागत होगी, कुएं का पानी कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं सिर्फ एक बाल्टी पानी ले सकता हूँ क्या ससुर जी? एक बाल्टी, एक लोटा भी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे हट, काम खराब कर दिया। मगर तीरा, ये सब क्या है? अचानक तुम दोनों शादी करके मेरे सामने आ गए? हाँ ठीक है, ये तो खुशी की बात है। गांव वालों के सामने आज शाम को ही इसके पिता से बात करके बात पक्की कर लेते हैं। हाँ? आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। और मगधीरा, अपने नंदन मन के भगवान को 9 फूल चढ़ा के मन्नत पूरी करनी होगी। जैसा आप चाहें। तू आते वक्त रास्ते में 4-5 वेतालों को देखा था? हाँ, तो क्या हो गया? ओहो, वो सचमुच के वेताल ही। आज से कोई भेष नहीं बदलेगा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था। क्या कह रहे हो तुम? मगधीरा, कुछ वेताल गांव में घुस के सत्यानाश कर रहे हैं, जल्दी आओ। Thank you.
कवल मल्ली को वेताल किले में उठा के ले इस तरफ ही उठा कर ले गए हैं मगधीरा। तेरा बड़ी कोशिश की और बहू को मैं बचा नहीं पाया, उनको छोड़ना मत बेटा, छोड़ना। मुझे तुम्हें एक रहस्य की बात बतानी है। पहले आप थोड़ा पानी पीजिए। तुम आपको छोड़ के चले गए बाले। पैदाइशी अनाथ था मैं, सगे बेटे की तरह पाल के खुश रखा मुझे। आपका बेटा बन के मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। जो आपने प्यार से मुझसे मांगा मैं आपको जिंदा रहते भी नहीं दे पाया, आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया।